अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप बच्चों? मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। न्यूमेरिकल नंबर 2.3 देखें। अ कार हैज़ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ये हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। जब हम डाटा लिखेंगे तो हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। इट एक्सलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। ये एक्सलरेशन गिवन है 0.2 मीटर पर सेकंड फॉर हाफ मिनट, और टाइम गिवन है हमें हाफ मिनट। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस फाइंड करना है, और एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार और वी एफ हमने फाइंड करना है। लेट अस कम टू द सॉल्यूशन। आइए हम देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि इसके डाटा में हमें क्या गिवन है। इसके डाटा में सबसे पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन गिवन है बॉडी का 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। टाइम चूँकि गिवन था हाफ मिनट, और हाफ मिनट 30 सेकंड्स के इक्वल होता है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया टी इज़ इक्वल टू 30 सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस हमने फाइंड करना है, और फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। अब सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन में हमने एस फाइंड करना है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करना है। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आएगा कि पहले जो दो न्यूमेरिकल थे उसमें हमने एस के लिए फार्मूला यूज़ किया था वी एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टी, यहाँ भी हम वही यूज़ करेंगे? नहीं, यहाँ हम वो फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि हमें इस न्यूमेरिकल के अंदर एवरेज वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो लिहाजा हम अब इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। और चूँकि डाटा में हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, तो लिहाजा हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जाएंगे, जिसमें डिस्टेंस को हम इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। सो एस बराबर होगा वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। वैल्यूज़ प्लग इन करें तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा, वी आई की वैल्यू 10 मल्टीप्लाइड बाई टी की वैल्यू 30 प्लस 1/2, ए की वैल्यू 0.2 और टी का स्केयर 30 का स्केयर। 0.2 को आप लोग 2/10 लगा दें, और 30 के स्केयर को आप 900 लिख दें, और 30 को 10 से मल्टीप्लाई करके 300 लिख दें। इसके बाद कैंसलेशन करें। कैंसलेशन करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा एस बराबर 300 प्लस 90। अब ये जो 90 है इसको 300 में ऐड करें तो 390 मीटर ये डिस्टेंस कवर्ड आ गया। लेकिन हमारा न्यूमेरिकल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। न्यूमेरिकल के दो पार्ट थे, एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करना था और दूसरा फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी थी। अब फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई की वैल्यू लगाएं 10, ए की वैल्यू लगाएं 0.2, टी की वैल्यू लगाएं 30, तो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 30। अगले स्टेप में हम लिखेंगे 10 प्लस 0.2 की जगह पर लिखेंगे 2/10, और 30 की जगह पर 30 लिखेंगे। फिर 10 को 30 के साथ कैंसिल करेंगे, 10 वन ज़ा 10 और 10 थ्री ज़ा 30। हमारे पास बच जाएगा 10 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 होता है, तो लिहाजा वी एफ बराबर आ जाएगा 10 प्लस 6 16 मीटर पर सेकंड। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। याद रखें न्यूमेरिकल की की ये है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, कि आप डेटा को सही तरह से लिखें और सही मौका पर सही फार्मूला पुट करें। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो।